इसका एम इसको पास करने का एम है कि जो भी गवर्नमेंट ओन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वो फैक्ट्रीज होती हैं जहां पर गोला बारूद से संबंधित चीजें बनाई जाती हैं बंदूकें बनाई जाती हैं टैंक्स बनाए जाते हैं तो जो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं जो कि वो सारी की सारी गवर्नमेंट के द्वारा ओन उन है उनमें किसी भी प्रकार के स्टाफ के द्वारा की गई स्ट्राइक को प्रिवेंट करने के लिए पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया है जिसका नाम है एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज एक्ट द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री

अब ये डिसीजन जब लिया गया रिस्ट्रक्चरिंग का so there was a situation which might have created कि जो हैं किया है एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल इसका मतलब ये होगा कि जो भी इस गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में जॉब करता है काम करता है वो किसी भी समय स्ट्राइक पर नहीं जा सकता है सो so देश के अंदर टोटल इकतालीस ऐसी फैक्ट्रियाज हैं उसमें सत्तर से भी अधिक काम काम करते हैं तो जो ये है, के के ये आप ये, आप जो ये जो बिल है इन्हीं लोगों के के ऊपर इफेक्ट करेगा स्पेसिफिकली था आर्मी की होगी एयरफोर्स इतनी है कि किसी भी प्रकार की रोक पड़ना पूरे के पूरे इंडिया नेशन की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी सोरे सवाल बन जाता है सो टू प्रोवाइड मेंटेनेंस ऑफ दीज एसेंशियल डिफेंस सर्विस दे आर वेरी पर्टिनेंट एंड इम्पेटिव फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन ऐसी किसी भी सिचुएशन में गड़बड़ हो सकती है जब कुछ वर्कर्स किसी पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक की वजह से या किसी पर्टिकुलर ग्रीवांस की वजह से अगर स्ट्राइक कर दे और फैक्ट्री के अंदर बम बनाना गोलियां बनाना बारूद बनाना टैंक बनाना मशीने बनाना एक्चुअली में बंद कर दे सो दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द नेशनल सिक्योरिटी टू इंश्योर ऐसी सिचुएशन कभी भी क्रिएट ना हो पाए एसेंशियल सर्विसेज डिफेंस बिल पार्ट किया गया है ये सिक्योरिटी ऑफ नेशन पे भी खतरा होगा लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ पब्लिक एट लार्ज भी खतरा हो सकता है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में बात करते हैं इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो हैं, दे आर दी ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सेटअप अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ठीक है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है और उस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सेटअप है ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ऑर्डिनेस फैक्ट्रीज फॉर्म एन इंटीग्रेटेड बेस फॉर इंडिजीनियस प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस हार्डवेयर एंड इक्विपमेंट और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसकी आत्मनिर्भरता भारत के प्रति भारत के बॉर्डर्स पर दो ऐसे देश हैं जो कि कॉन्स्टेंटली हमें तंग करते हैं एक तरफ पाकिस्तान है एक तरफ चाइना है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें पूरी की पूरी सेल्फ रिलायंस चाहिए व्हेन इट कम्स टू द डिफेंस हार्डवेयर एंड इक्विपमेंट और उसमें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की इंपॉर्टेंस जो देश के डिफेंस के कॉन्टेक्स में है उसको कोई भी अंडरस्टेट नहीं कर सकता है इसीलिए यह बिल पास किया गया उसका पर्पस ये था कि हमें जरूरत है एक अन इंटरप्टिड सप्लाई ऑफ आइटम्स टू दी आर्म देयर इज नो डाउट अबाउट इट इट्स इट्स लाइक काइंड ऑफ एन थिंग कि फोर्सेस के तरफ जो ये डिफेंस इक्विपमेंट है डिफेंस आइटम्स हैं बॉम्बस हैं एंड गन्स हैं इसका अन इंटरप्टिड सप्लाई होनी चाहिए ऐसी कोई सिचुएशन थोड़ी ना खड़ी की जा सकती है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़े हैं हमारे जवान उनके पास गन ना हो या फिर गन में गोलियां ना हो सो टू मेंटेन फॉर द डिफेंस प्रिपेड

अच्छा द बिल एम पावर्स बिल का आइडिया क्या क्या है इट द पावर्स टू द गवर्नमेंट टू डिक्लेयर सर्विस इन इट एज एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज तो इस बिल के अंदर जो जो सर्विसेज सर्विस गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर कर सकता है एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज और जो भी चीज एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज डिक्लेयर होगी उसमें स्ट्राइक्स और लॉकआउट को प्रोहिबिट किया जा सकता है एनी इंडस्ट्रियल यूनिट एनी एस्टेब्लिशमेंट विच इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर द इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज फॉर द इसेंशियल डिफेंस इक्विपमेंट या कुछ हार्डवेयर की जो भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके अंदर किसी भी प्रकार का स्ट्राइक और लॉकआउट बंद है

to increase the efficiency of these corporate factories of these defense factories Ye decision taken. and uh, they will become part of the seven government-owned corporate entities osb pehle was under the

ट द एम्प्लॉयज ऑफ दीज फैक्ट्रीज कैन गो ऑन स्ट्राइक अगेंस्ट दिस डिसीजन जो कारपोरेटाइजेशन का डिसीजन है इसके अगेंस्ट देर वॉज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द स्ट्राइक टू स्टॉप दैट पॉसिबिलिटी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के मेंबर्स ऑर्डिनेंस की जो फैक्ट्रीज हैं उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनके जो आ, कामगार हैं वो अगर स्ट्राइक पर चले गए सो दिल्स क्रिएट अ वेरी नेशनल सिक्योरिटी इश्यू बन जाएगा तो उसी के लिए बिल इंट्रोड्यूस किया गया था द रिकोगनाइज फेडरेशन ऑफ द एम्प्लॉय गिव अ नोटिस फॉर एन इनडेफिनेट स्ट्राइक फॉर द सेम पर्पज गवर्नमेंट को यह प्रोमोलिगेट करना पड़ा एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज अब इसमें यह हो गया है कि जो भी ये फैक्ट्रीज हैं, जिसको भी असेंशियल डिफेंस सर्विसेज डिक्लेयर किया जाएगा दे कैन नॉट गो ऑन स्ट्राइक स्ट्राइक पे अगर जाएंगे ये सत्तर हजार एम्प्लॉ ऑफ दीज इकतालीस फैक्ट्रीज हैं जो कि बेसिकली थोड़े से नाखुश थे कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द ओ एफ बी से उनका कहना था कि अगर कॉर्पोरेटाइजेशन करेंगे तो हो सकता है उनकी सर्विस कंडीशन या फिर उनके रिटायरमेंट जो कंडीशन होंगे उन पर इम्पैक्ट हो जाएंगे तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से अश्योर किया है कि वी विल टेक केयर ऑफ इट ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है इंडीड जो एम्प्लॉय यूनियंस थी और जो एसोसिएशन थी दे हैड एक्चुअली

गवर्नमेंट ने एकदम पास कर दिया कि कोई स्ट्राइक पर नहीं जाएगा उस ऑर्डिनेंस को फाइनली बेसिकली बिल में कन्वर्ट किया गया है एसेंशियली डिफेंस सर्विसेज बिल के द्वारा जो भी अब आदमी इस बिल के अकॉर्डिंग कमेंट्स करता है पार्टिसिपेट करता है इलीगल स्ट्राइक्स में उसको एक साल की जेल हो जाएगी या फिर दस हजार रुपए का फाइन होगा या दोनों हो जाएंगे जो इंस्टिगेट करता है इंसाइट करता है टू कंटिन्यू इलीगल स्ट्राइक्स दे विल बी पनिश फॉर टू ईयर्स इम्रेजनमेंट ऑफ द फिफ्टीन थाउजेंड मोर इंपॉर्टेंटली अगर इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के कोई एम्प्लाइज हैं, वो इस प्रकार से कुछ करने की कोशिश करते हैं एबल टू दे लाइबल फॉर द डिसिप्लिनरी एक्शन लॉजिकल बात है इंक्लूडिंग डिसमिसल

अंडरस्टैंड द प्रोसेस बहुत ही सरल प्रोसेस था लेकिन अगर आपको इसका पी चाहिए क्योंकि दिस इज इन इंपॉर्टेंट इवेंट ठीक है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बिल है आने वाले किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है सो so डेफिनेटली इसका पी आपको जरूरत पड़ेगी तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पर मैं इसका पी और आने वाली क्लासेस आपके साथ आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करता रहूंगा इफ यू हैव समिंग टू से डिफेंस सर्विस बिल डू पिंग भी ऑन माइ इंस्टा और एनी अदर सोशल मीडिया हैवे नाइस डे